सो हे गाइस, प्रीव्यू में अपनी आंखें फोड़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप भी जो है अपना गेम प्ले यूट्यूब में डालते हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर आपको कुछ और देखना होगा, क्योंकि फिर गेम प्ले में ऐसी चीज़ एडिट नहीं हो पाती है। तो अगर आप भी मॉन्टेज एडिट करते हो तो मॉन्टेज में आपके लिए ये बहुत काम आने वाली है। अगर आप मॉन्टेज एडिट करते हो तो ये वाला वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप जो है ऐसे ही बना पाओगे, ठीक है। तो अब कैसे करना है उससे पहले ये देख लो कि ये कैसी दिखने वाली है, तो चलिए प्रीव्यू देख लो। तो प्रीव्यू पसंद आया है तो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हुआ ये। सो गाइस, काइनमास्टर यहाँ ओपन कर लिया है, ज़्यादा कोई बताने वाली बात है नहीं। तो देख लो, एक ब्लैक मीडिया ली है और उसके नीचे जो है मैंने अपनी वो वाली मीडिया ली है जिनको मैं एडिट करने वाला हूँ, यानी कोई मॉन्टेजेस की क्लिप है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ब्लैक क्लिप है। अब इस ब्लैक क्लिप का कलर क्या करना है ना, ब्लैक क्लिप का कलर आप वो रख सकते हो जो आप रखना चाहते हो, जो आपका फेवरेट हो। अब आपने मेरी वो जो प्रीव्यू में देखा होगा, पेड़ का कलर कुछ पिंक विंक हो गया, तो वो इसी की वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने ये कलर चूज़ किया है। अभी आपको इस मीडिया की क्रोमा की करनी है और आपको जो है कलर वो चूज़ करना है जो कि ये घास है, ठीक है। तो आप यहाँ अच्छे से पेड़ का और घास का कलर देख लो कौन सा है और कौन सा कलर होता है, वो कलर आपको यहाँ रखना है। तो देखो, मुझे कौन सा लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला घास का कलर जो भी मैं रख रहा हूँ ना, वो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी मैंने ये रख लिया है। अभी आप इसकी सेटिंग सही करोगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखना, अभी इसकी सेटिंग अच्छे से एडजस्ट करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि यार की बहुत शानदार इफेक्ट आने लग गया है, देख लो यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है। लेकिन अभी आपको छोड़ के भागना नहीं है, अभी कलर ग्रेडिंग भी करूँगा, बहुत शानदार बनाने वाले हैं। तो इसकी भी क्रोमा की कर लेता हूँ, ठीक है। तो बताने के लिए आपको दो क्लिप्स ली एक्स्ट्रा, ताकि आपको पूरा विश्वास हो सके कि ये काम करने वाली है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी मस्त लग रही है, ठीक है। अभी राइट कर लेने के बाद ना आपको क्या करना है, इफ़ेक्ट्स में जाना है और अब लेना है कलर आइसोलेशन। कलर आइसोलेशन नाम का इफ़ेक्ट लेना है, ठीक है। तो पहले कलर जो है कुछ नहीं लिया था, अभी कलर आइसोलेशन ले रहा हूँ, क्रोमा की थी पहले। तो अभी अपन को लेना है कलर आइसोलेशन। कलर आइसोलेशन को आप देख सकते हो कि हमारी ज़िंदगी को कैसे ब्लैक एंड वाइट कर देता है। तो ब्लैक एंड वाइट को अभी हम सही कर देंगे, चिंता मत करना आप, ठीक है। तो सेटिंग में जाना है, वाइट कलर को चूज़ करके आसमान वाला कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। काला नहीं, आसमान का कलर सेलेक्ट करना है आपको। अभी आप देखो कि ऐसा हुआ, अभी इन्वर्स को दबा दो, इन्वर्स को आगे कर दो एक पे, तो आसमान पूरा जो है लो हो जाएगा, कलर हीन हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत इफेक्ट आने लग चुका है। अब ना आपको क्या करना है ना, ब्लेज इफेक्ट लेना है यहाँ पे। ब्लेज इफेक्ट को आपको ऊपर तक ही रखना है, ठीक है। मतलब देखो, ऊपर इतना ही रखना है क्योंकि आसमान तो ऊपर ही होता है, तो अपने को क्या करना है ना, थोड़ा आसमान में ग्लो भी लेके आ जाएंगे। तो टोटल मिला के आपको सब बताने वाला हूँ आज, ग्लो भी बताने वाला हूँ, कलर ग्रेडिंग भी बताऊँगा और अलग अलग कलर का जो है ये भी बताऊँगा। अब आपने जो पिंक मीडिया लिया, आप उसकी जगह कोई और लेंगे तो आपका पेड़ अलग कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लेज की सेटिंग देख लेते हैं, नंबर ऑफ रेज को 10 रखनी है और मोड को 0 रखोगे तो कलर वाइट हो जाएगा, और ट्विडल -50, ब्लर को 100 पे, और ब्राइटनेस आप जितनी चाहो उतनी रख सकते हो। तो अभी आप जो है थोड़ा बहुत ही मतलब दिखने लग गया अच्छा। तो आपको क्या करना है, देखो अमाउंट बढ़ाओगे तो लाइन स्ट्रेंथ को कम रखना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे बीच में एक लाइन दिख रही है, ठीक है। तो इस लाइन को हटाना है, तो शेप में जाना और फेदर को फुल कर दो। फेदर को फुल करते ही आपकी लाइन हट जाएगी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है, ठीक है। मतलब अभी तक ये पूरा सही से बना नहीं है, तो फिर से सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। और सेटिंग में फिर से जाने के बाद ना क्या करो, थोड़ा सा अमाउंट कम करो और लाइन स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है। अब ना लाइन स्ट्रेंथ को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, मतलब 10 से नीचे ही रखना है, लेकिन हल्का सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अभी अपना जो है ये इफेक्ट एकदम बढ़िया लगने लग गया है। अभी आपका लगभग लगभग जो है 70% काम ख़त्म हो गया है, ठीक है। अभी देखो क्या है कि मेरा ये चल तो रहा है नहीं, क्योंकि इतने सारे इफेक्ट है। अभी आपको एक मीडिया लेनी है, मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, आपको इसकी फुल स्क्रीन कर देनी है। तो ये स्नो इफेक्ट वाली है, आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिम टू लेफ्ट करके मैं लगा रहा हूँ, जहाँ से ये गिरनी स्टार्ट हो रही है। तो अभी क्या करते हैं, इसकी ब्लेंडिंग में जाते हैं, ठीक है। तो ब्लेंडिंग में जाना, ब्लेंडिंग में बच्चे लोग यहाँ स्क्रीन ले लेते हैं, पर आपको स्क्रीन नहीं लेना है, आपको लाइटन लेना है। आप स्क्रीन और लाइटन में डिफरेंस देख सकते हो, लाइटन आपको यहाँ पे चूज़ करना है, लाइटन ले लेना। और इसके बाद ना एक फाइनल इफेक्ट आपको और लेना है, जिसका नाम है देखो इंटेंसीफायर नाम है, ये इफेक्ट लेना। अभी आप देख सकते हो कि इसने हमारा जो है कैसा तेल तेल कर दिया है, पूरा अजीब सा कर दिया, ठीक है।
अगर आप इफेक्ट्स की सेटिंग को अच्छे से एडजस्ट करोगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, वरना फिर बेकार लगना ही है। तो अभी देखो इसकी सेटिंग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये ठीक है, थोड़ा हल्का सा ब्लू ब्लू टोन आ रही है अगर आप देख सकते हो तो। अभी ना ये करने के बाद ना देखो नीचे वाला जो है ये किस कलर को चेंज करते हो आप यहाँ देख सकते हो। तो अभी देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है ये अभी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन अच्छे से करते हैं, जो भी अपने को ज़रूरत होती है येलो टू ब्लू, यानी येलो कलर को थोड़ा सा ब्लू में टोन देगा, ऊपर वाला किस कलर को किस में देता है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ मतलब अच्छा लगने लग गया है और अभी आपका रेडी है। अब आप सब्सक्राइब के बटन पे अपना सर फोड़ देना और इस वीडियो को छोड़ सकते हो। ओके दोस्तों, बाय बाय।